पापा के लिए मामा के लिए तो वही कपड़े कपड़े गिफ्ट जो है वो आपका रेडी रहेगा जब मेरा पैकेज आएगा फर्स्ट तो फर्स्ट सैलरी से चलिए सोचते हैं कैसा पापा को सबसे पहले एक नया बाइक देने का सोचा है मुझे तो पूरा पता है कि आपने कुछ तो जरूर सोचा होगा अरे हाँ क्या सोचा हेलो एवरीवन दिस साइड पटना लाइट और आज हम आए हैं सड़क पे टू आस्क द जेई एंड नीट एस्पायरेंट कि वो अपने फर्स्ट सैलरी के साथ क्या करने वाले हैं अपने मम्मा पापा के लिए क्या गिफ्ट करने वाले हैं या फिर खुद के लिए वो क्या करने वाले हैं चलिए उनसे बातें करते हैं और उनका ओपिनियन जानते हैं आप कुछ गिफ्ट करोगे मम्मी पापा को फर्स्ट सैलरी के साथ पापा को सबसे पहले एक नया बाइक देने का सोचा है अच्छा पुरानी बाइक है क्या पापा की तो सोचा है एक नया बुलेट देने का सोचा भी पापा को अच्छा और मम्मा के लिए मम्मी के लिए मम्मी को सबसे पहले एक अपना घर चाहिए अच्छा तो मेन तो मम्मी को वो देने का सोचा है अभी उसके लिए लेकिन वो लॉन्ग टर्म है लेकिन मम्मी को वही सोचा है अपना घर देने का अभी रेंट पे रह रहे हैं क्या अच्छा अपना खुद का घर नहीं है इसलिए मम्मा को एक घर देना चाहते हो गिफ्ट करना चाहते हो ओके एंड ओके फर्स्ट सैलरी के साथ क्या गिफ्ट करोगे मम्मा को कुछ ऐसा खास गिफ्ट नहीं लेकिन मम्मी को घुमा मतलब कि कहीं ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं अच्छा ऐसा अभी कौन से क्लास में हो अभी 12th में हो इतना सोच रहे हो इट्स अ बिग थिंग ओके आई विश कि आप जेई या नीट में हो जी जी आई विश कि आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ और मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ कुछ वैसी बातें जो एक्सप्रेस करना चाहते हो मम्मी पापा के लिए जो आज तक बोल नहीं पाओ यू कैन सी ऑन कैमरा और कुछ ऐसा खास नहीं है बस मम्मी पापा के लिए मेहनत कर रहे हैं जो करना है उन्हीं के लिए करना है अच्छा और किसी के लिए तो ये कर नहीं रहे हैं बस मम्मी पापा के लिए जो करना है व्हाट यू विल डू विद द फर्स्ट सैलरी मुझे तो पूरा पता है कि आपने कुछ तो जरूर सोचा होगा अरे हाँ क्या सोचा है नहीं मेरा जो ख्वाहिशा है ना मैं सोचती हूँ मैं अपनी मम्मी को मतलब जो मेरी मम्मी चाहती हैं मेरे से कि मेरी बेटी डॉक्टर बन के मेरे लिए कुछ करे है ना तो बस वही उनका जो पसंद हो वो आज ही हम खुद अपने पापा को देखे इतना पैसा खर्चा करे थे मेरे में जैसे इंस्टॉलमेंट का पैसा पेमेंट करने के लिए हम सोचे कि इतना खर्चा हो रहा है तो पढ़ना भी तो अच्छे से ही ना पड़ेगा उसी दिन मतलब हम जब मेरा एडमिशन हुआ ना तब हम उनको देखे उनका फेस देखकर मतलब मुझे इतना दया आया ना कि अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं तो हम तो पढ़ाई जरूर करेंगे इसीलिए हम यहाँ रह गए पहली बार हम मतलब अपने गांव से पटना आए हैं अच्छा मेरे मेरा जो बच्चा और लड़की और लड़का जो भी है वो इंडिपेंडेंट हो जाए कि अच्छा, किसी पे वो डिपेंड ना रहे कि किसी भी चीज़ के लिए हाँ ये मेरी मम्मी और पापा दोनों का ख्वाहिश है मेरी मम्मी दोनों टीचर हैं अच्छा हाँ तो उनका बस यही सपना रहता है ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कुछ पैसे लाएगी तो वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते वो लोग बस वो चाहते कि बस जैसे रहे खुश रहे भाई आप अच्छे जगह पे हाँ हाँ बस बस यही उनका ख्वाहिश है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PW इस गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत सारे जेई बैचेस लाया विद अमेजिंग ऑफर्स #GuruPurnima गुरु पूर्णिमा विद PW अर्जुना जेई 3.0 2025 ऑन प्राइसिंग ऑफ 3900 लक्ष्य जेई 3.0 2025 ऑन प्राइसिंग ऑफ 3900 प्रयास जेई 3.0 2025 ऑन प्राइसिंग ऑफ 3700 अर्जुना जेई हिंदी 2025 ऑन प्राइसिंग ऑफ 2700 लक्ष्य जेई हिंदी 2025 ऑन प्राइसिंग ऑफ 2700 प्रयास जेई हिंदी 2025 ऑन प्राइसिंग ऑफ 2700 साथ में आपको मिलेगा अर्जुना जेई 2025 अर्जुना जेई 2.0 2025 का फ्री एक्सेस व्हेन यू बाय अर्जुना जेई 3.0 2025 लक्ष्य जेई 2025 एंड लक्ष्य जेई 2.0 2025 का भी आपको फ्री एक्सेस मिलेगा जब आप खरीदेंगे लक्ष्य जेई 3.0 2025 प्लस एवरी बैच इज अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर यू सेपरेटली इन सारे बैचेस में आपको मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका जो आपको बनाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में परफेक्ट साथ में आपको मिलेगा DPPs विद देयर वीडियो सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट PDF नोट्स ऑफ ईच क्लासेस विल बी अपलोडेड इन PW ऐप एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्लानर PW के बुक्स भी अवेलेबल है PW स्टोर पे वहां पे भी ऑफर चल रहा है यू कैन चेक आउट देयर एंड यूज कूपन कोड PTN150 गेट एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑन एवरी बैचेस बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जाइए बैच को अवेल कराइए एंड अपने प्रिपरेशन जर्नी में लग जाइए क्या गिफ्ट करोगे मेरे पापा ने तुमको मम्मी को कुछ भी गिफ्ट करना है बट करना है अच्छा नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की नीट की तैयारी कर रहे हैं तब तो कुछ वैसा सोचे हो मतलब कुछ स्पेसिफिक गिफ्ट लाइक मम्मा के लिए कार गोल्ड का कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी यस एंड आप सेम गोल्ड दोनों बैच मेट यस गोल्ड फादर के लिए कुछ घरी वॉच गोल्ड वॉच अच्छा ये होम टाउन नहीं है या फिर आरा से हो और आप बिहार शरीफ से हो आप घर से दूर रहते हो कुछ मैसेज है माँ पापा के लिए जो बोलना चाहते हो जो आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो डोंट बी शाय बताओ यार दिल खोल के वैसे तो कुछ नहीं बस बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें तो उनके सपना जो है वही सच करना चाहेंगे एंड आप मैं तो पापा का ड्रीम था मेरा डॉक्टर बनना तुम वही फॉलो कर रहे हैं मम्मी सपोर्टिव है पूरी एक तरह से तुम मतलब खुद से जॉब करके पूरा इतना कर रही है तो बहुत थैंक्स एक तरह से आपका खुद का ये डिसीजन नहीं था नीट की तैयारी नहीं मेरा भी था बट पहले पापा पहले बोलते थे फिर उसके बाद हमको भी हो गया
है, ये बोझ तो नहीं लगता ना, ये इसे ना, इस जर्नी को एंजॉय करते हो ना, इस जर्नी को एंजॉय करते हो। ओके, कुछ आप बोलना चाहोगे पापा मम्मा के लिए? पापा तो नहीं, मेरे मम्मी के लिए तो बहुत दिल से थैंक्स, मतलब मम्मी इतना सपोर्ट करती है कि क्या बताएं। यस यार, तो आपके पापा जहाँ से भी देख रहे होंगे, वन डे और सन डेफिनेटली मेक यू फील प्राउड। नीट या फिर जेई की कर रहे हो, तो विद फर्स्ट सैलरी मम्मा पापा के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ ऐसा सोचे हो? सोचे तो जरूर होगे। पहले सैलरी से पहले तो फैमिली के लिए सब। क्या लाइक क्या गिफ्ट, मतलब क्या खरीद देना चाहते हो पापा के लिए, मम्मा के लिए क्या लेना है, क्या सोचे? पापा के लिए, मम्मा के लिए तो वही कपड़े। कपड़े हाँ, एंड अपने लिए? अपने लिए पहले और फैमिली को, दीदी भैया भी हैं मेरे, सबको। हाँ, सबको कुछ ना कुछ खरीद देना चाहते हैं। पटना में ही आपका घर है या फिर? मेरा घर गया में। गया में है। हाँ, तो क्या क्या मिस करते हो घर से दूर रह करके तैयारी करते हो तो? गांव को मिस करते हैं। गांव और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सर्कल को, मम्मा के खाने, दादा दादी, मम्मा, मम्मा तो यहाँ रहती है, मम्मा यहाँ रहती है, बुआ रहती है। अच्छा, बुआ रहती है। हाँ, मम्मा गाँव पे रहती है। मम्मा गाँव में, मम्मा को तो बहुत मिस करते हो। हाँ, ओके। मम्मा के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ खरीद देना चाहते हो? लाइक अभी तो मम्मा लोग तो बहुत कम एक्सप्रेसिव होती है, बहुत कम बोलती है कि मुझे बेटा ये दे देना। तो अपने मन से कुछ सोचे हो कपड़े के अलावा कि और भी कुछ चीज़ें ले दूँगा, लाइक उनके लिए घर, गाड़ियाँ, ज्वेलरीज, वो तो ये सारी चीज़ें भी? ओके, बढ़िया से तैयारी करना। क्या नाम है आपको? शिवम कुमार। ऑल द बेस्ट शिवम। पटना के ही रहने वाले हो या फिर बाहर से आए हो? समस्तीपुर से। घर को तो मिस करते होगे? हाँ, करते हैं। क्या मम्मा पापा किस, क्या खाना क्या मिस करते हो? मम्मा को, पापा को, खाना को भी। कुछ ऐसी बातें जो कभी एक्सप्रेस नहीं की हो मम्मा पापा के पास, बट आज एक्सप्रेस करना चाहते हो? याद करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या करोगे फर्स्ट सैलरी के साथ? माँ बाबा कुछ गिफ्ट, कुछ शेयर देना चाहते हो कुछ वैसा? हाँ, क्या? कार गिफ्ट करना चाहते हैं पापा को। एंड मम्मा के लिए? मम्मा के लिए ज्वेलरी, ज्वेलरी वगैरह। एंड क्या होप है, एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट सैलरी कितनी हो? एक अराउंड सैलरी का नहीं, लेकिन मतलब गरीब लोग को हेल्प करना जो है, मतलब गरीबी है उस, मतलब कि जो इलाज नहीं कर पाते हैं उनको इलाज। अच्छा, आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, अभी कौन से क्लास में ये? 11 जी। कुछ तो सोचे होंगे ना कि हम अपने फर्स्ट सैलरी के साथ क्या करेंगे, माँ पापा के लिए कुछ कर देंगे या समथिंग एल्स, खुद कहीं घूमने जाएंगे? फर्स्ट सैलरी से चलिए सोचते हैं। हाँ, सोचिए, बताइए। पापा तो घर ही देंगे। पापा को घर दोगे? धड़ी 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 में तो टाइम है। अच्छा, घड़ी फर्स्ट सैलरी से धड़ने नहीं आएगा, धड़ी घड़ी दोगे। ओके, पापा धड़ी पहनते थे, उनका भी खराब है। अच्छा, तो देखते। ओके, और मम्मा को? मम्मा को, मम्मी तो फोन चाहिए। मम्मी को फोन नहीं है क्या? नहीं, मम्मी धड़ वाला फोन इस्तेमाल चलती है। अच्छा, छोटा वाला कीपैड? नहीं, छोटा वाला नहीं, बड़ा ही फोन है, लेकिन मम्मी तो पर्सनल नहीं है। ओके, तो मम्मी तो पर्सनल फोन दे देंगे। पर्सनल फोन देना चाहते हैं। कुछ अभी तक ऐसा मैसेज जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया मम्मा पापा को और आज बोलना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोल ही देते हैं मम्मी पापा, बोल देते हैं, एक्सप्रेसिव है पूरा। हाँ, मम्मा पापा बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। हाँ, कभी लगता है कि यार मेरे को मम्मा पापा ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सब बहुत, मम्मी पापा फ्री है, कुछ भी बात कर सकते हैं मम्मी पापा से। अच्छा, तो उसका कोई परेशानी नहीं है, मतलब फ्रेंड लाइक आप दोनों का बॉन्डिंग जब दोस्त की तरह का है। ओके, मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ। घर से दूर हो या होम टाउन यही है पटना? घर से दूर है अभी। घर से दूर? हाँ। कुछ मिस कर रहे हो मम्मा पापा के बारे में? मम्मा का खाना, पापा की डांट? नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, लेकिन घर का जो माहौल रहता है ना, वो मिस हो जाता है। अच्छा। जैसे कि घर में भाई बहन रहता है, अपने पास डॉग है, पपी है, तो वो सब तो मिस चल देते हैं। अच्छा, पूरा माहौल ही मिस चलते, ये नहीं तो पार्टी तो मिस चलते। अच्छा, खाना नहीं मिस करते मम्मी का? टेस्टी टेस्टी गरम नहीं, खाना तो इधर दीदी बना रही है, खाना तो सेम ही हो जाता है। अच्छा, बाकी इधर का माहौल जो होता है ना, वो दादी रहती है, पापा, मम्मी, दीदी, ये सब, वो बहुत मिस करते। एक दिन मम्मा पापा को प्राउड फील कराओगे? हाँ, आराम से। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपने पेरेंट्स को ला जाके दूंगा। बट पेरेंट्स को देंगे किसको? मम्मी या पापा? मम्मी पापा में मतलब जो गिफ्ट जैसे जनरली लोग करते हैं, किसे करेंगे? मम्मी या पापा, दोनों में से, दोनों के लिए करना है। दोनों के लिए? किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो? IIT जेईई सेकंड ईयर, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर। अच्छा, यस, अभी 12th में हो। हाँ, ओके। मम्मा पापा को गिफ्ट करना चाहते हो, क्या गिफ्ट करना चाहते हो? वो पैकेज पे निर्भर है, मतलब अगर अच्छा पैकेज हो या जैसा भी पैकेज हो उस हिसाब से। अगर अच्छा पैकेज है तो कार क्यों ना गिफ्ट कर दें, नॉर्मल पैकेज है तो
घड़ी जैसे जैसे नॉर्मल वे में लोग करते हैं उस टाइप। मतलब प्यार मैंडेटरी है, पैकेज हाँ, कुछ पैकेज भी कुछ भी हो, पैकेज तो अपने मतलब सीजी पे मतलब अपने मेहनत पे डिपेंड करता है, पर प्यार जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो बस शो ऑफ मतलब पैसे के हिसाब से शो करना पड़ता है पेरेंट्स को। एग्जैक्टली, ये मेन चीज़ यही इंपॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए प्यार होना चाहिए, पैसे तो धीरे धीरे तो बढ़ेंगे, धीरे धीरे तो पैकेज बढ़ेगा, पैकेज बढ़ेगा। फिर यही होम टाउन, पटना में रहता हूँ, फिर भी मम्मा पापा के लिए कुछ मैसेज जो आज तक नहीं बोल पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए उनके लिए, सामने देख कर बोलो। मम्मा पापा, मैं आप जो मेहनत कर रहे हो मेरे लिए, शायद मैं आपके मतलब आपके लिए कुछ कर पाऊँ, गिफ्ट जो है वो आपका रेडी रहेगा जब मेरा पैकेज आएगा फर्स्ट, तो बस ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मम्मी पापा को ही पहले प्राउड फील करवाएंगे। ओके, किस चीज़ की तैयारी वैसे कर रहे हैं? नीट इलेवेंथ क्लास में। क्या कुछ सोचे हो, क्या फील प्राउड फील कराना चाहते हो? हाँ, जैसे कि अब ये तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, exactly. तो आगे चलकर नया घर गाड़ी ये सब लेंगे, मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे, और भी इधर उधर लेके जाएंगे मम्मी को, घुमाएंगे, पूरा इंडिया घुमाना है। अच्छा, मतलब जी मम्मी पापा के जितने भी सपने जो पूरे नहीं हुए सारे पूरे करना है। हाँ, करना है पूरे। ओके, एंड जो पहली सैलरी आएगी उससे क्या क्या करोगे? मतलब पहली सैलरी तो लिमिटेड होगी, घर वगैरह उतना तो इम्पॉसिबल टाइप का है। तो फर्स्ट सैलरी में क्या? फर्स्ट सैलरी में मतलब कहीं ट्रैवल करने जाएंगे फुल फैमिली। अच्छा, फैमिली ट्रिप। हाँ। ओके, कुछ ऐसा मैसेज जो आज तक माँ पापा को नहीं बता पाए हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, बोलना चाहते हो? मम्मी पापा को बस बोलना चाहेंगे कि बस वो साथ दे अच्छा से, मतलब कि ऐसे तो देते हैं ये नहीं, मतलब कि वो मतलब नेगेटिव थोड़ा आता है कि जैसे कि अकेले रह रहा है तो कैसे पढ़ाई कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, वैसा कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारा डाउट आता है तो डॉट क्लास में इधर रहते हैं, अभी मेरा डॉट क्लास ही चल रहा था, मॉर्निंग का रहता है ऐसे, तो उसी में पढ़ रहे थे। अच्छा, मतलब आप अपना 100% दे रहे हो? हाँ, दे रहे हैं। मम्मी पापा को भी फुल सपोर्ट चाहिए। हाँ। ओके, मुझे पूरा आशा है कि एक दिन आपका बेटा आपको जरूर प्राउड फील कराएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, न्यू अच्छा कोई नहीं, हमें ये बताओ, व्हाट विल यू डू विद द फर्स्ट सैलरी? कुछ है, कुछ सोचे हो? मतलब थोड़ा सा तो एक होता है ना इमोशनल टच कि अपना मम्मा को कुछ गिफ्ट करूंगा। फर्स्ट सैलरी तो मम्मा को ही जाएगा, मम्मी पापा को, फैमिली को। एंड व्हाट विल बाय फॉर देम? जो उन्हें एसेंशियल। वैसे कुछ सोचे नहीं हो? नहीं, कुछ भी नहीं। आप घर से दूर रह रहे हो, यही होम टाउन है आपका? नहीं, घर से दूर है। घर से दूर हो, क्या क्या मिस करते हो घर पे? घर पे मिस वही, घर पे सबसे ज़्यादा तो मम्मी का खाना, और क्या, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो अच्छे खाने निकलते हैं। दीदा तो सम सेक्रीफाइसेस हो आपको आगे अच्छा करने में, मोटिवेट भी करेगा और आप शायद कर भी रहे होंगे उस अकॉर्डिंग। सो दीज आर द अमेजिंग एक्सप्रेशन बाय द स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उनसे बातें करके, और उनके जो ड्रीम्स हैं फॉर द पेरेंट्स फुलफिल करने के, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत प्यारे हैं। आई विश कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने माँ बाप के ड्रीम को पूरा करें, एंड एक दिन वो अपने माँ बाप को जरूर प्राउड फील कराए। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे पटना लाइट, एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।